शेखपुरा में तैनात बीएसएफ जवान सुरेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव शरीर बुधवार देर रात रुड़की के शास्त्री नगर स्थित उनके पैतृक निवास पर पहुंच गया। मिली जानकारी के अनुसार त्रिपुरा में ड्यूटी के दौरान उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिस कारण उनकी मौत हो गई थी। उनके पार्थिव शरीर के घर पहुंचने के बाद उनके परिवार में गम का माहौल बना हुआ है। त्रिपुरा से उनके शरीर को रुड़की लेकर आए बीएसएफ के एक दरोगा ने बताया कि वो उनके पार्थिव शरीर को हरिद्वार लेकर जा रहे हैं, जहां खड़खड़ी स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी मिली है कि सुरेंद्र सिंह को 30 अप्रैल को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उनके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां काफ़ी मेहनत के बाद भी उनकी सेहत में सुधार नहीं हो पाया और 10 मई को उनकी मौत हो गई। सुरजीत श्री सुरेंद्र सिंह वाटर कैरियर ये तिलिया मुड़ा सेक्टर हेडक्वार्टर में ड्यूटी करते थे। अचानक इनका ब्रेन हेमरेज होने के कारण इनको 30 तारीख को हॉस्पिटल में रखा गया। 30 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ये हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। समय समय पर इनका ट्रीटमेंट किया गया, चेकअप किया गया, जैसे कि डॉक्टर आधे साथ इनके साथ जाते रहे। अचानक इनको सूचना मिली हुई डॉक्टर से कि भाई आपका जो डेड बॉडी जो अंदर बंदा है उसका डेथ हो गया। तब ये सब इन्फॉर्म कर दिया, जैसे कि रेप जो वहाँ पे था उन्होंने बटालियन कमांडेंट को इन्फॉर्म किया, वहाँ से बटालियन कमांडेंट आए और फिर एयरक्राफ्ट का जुगाड़ किया। एयरक्राफ्ट के लिए फिर एयर एम्बुलेंस मिला, दिल्ली से अगरतला गई, अगरतला से फिर दिल्ली आए, दिल्ली से 25 बटालियन के कमांडेंट से संपर्क किया। 25 बटालियन के कमांडेंट ने अगर ये पालम एयरपोर्ट पे से और रुड़की कोतवाली तक हम रात को 11:30 बजे साढ़े 11 बजे से लेकर के मॉर्निंग 7 बजे हम उनके घर पे डेड बॉडी लेकर चुप। एक बीएसएफ के जवान सुरेंद्र सिंह हैं जो अभी त्रिपुरा में पोस्टेड थे। 30 अप्रैल को वहाँ गिरने के कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और एडमिट रहे। उसके बाद 10 तारीख में 10 मई को उनका देहांत हो गया था। उनका शव बीएसएफ के द्वारा त्रिपुरा से दिल्ली लाया गया और दिल्ली के बाद उनकी टीम यहाँ लेकर के आ जाएगी सुभाष नगर में। ये मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, लेकिन इनका परिवार यहाँ किराए पर रह रहा था, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। शव को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और उसके बाद जो सैनिक साधु सम्मान होता है उसके साथ में शव को यहाँ से खड़खड़ी के लिए रवाना कर दिया गया है, जहाँ लोकल पुलिस द्वारा सलामी देते हुए उनका अंतिम संस्कार।